खतरे में पड़ गई है मालदीव की सरकार, क्योंकि किसी भी वक्त कुर्सी जा सकती है वहां के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ुकी अपने घर में गिरते दिखाई दे रहे हैं अब राष्ट्रपति। देखिए लक्षद्वीप बना मालदीव का, वो जो पूरा विवाद था उसमें अब कुर्सी खतरे में वहां के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ुकी पड़ गई है, क्योंकि बड़ी खबर यह मिल रही है कि मुख्य विपक्षी पार्टी अब अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहती है अपने राष्ट्रपति के खिलाफ। जी हां, सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स के ऊपर वहां के जो मुख्य विपक्षी दल के नेता है अली अजीम, उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है जिसमें वो आह्वान कर रहे हैं पूरे विपक्ष की तरफ से कि सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाओ। जिस तरह से भारत मालदीव का इतना पुराना दोस्त है, उसके बाद भी ऐसी टिप्पणी मंत्रियों की तरफ से की जाती है सरकार के, तो हर कोई ये मान रहा है कि बिना जो वहां के अध्यक्ष है मतलब राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति उनकी सहमति के बिना या उनकी मनमर्जी के बिना यह संभव नहीं है कि मंत्री इतने बड़े बड़े बयान दे दे। तो अगर मंत्रियों ने ऐसा बयान दिया है तो इसमें राष्ट्रपति का भी हाथ जरूर होगा। और वैसे भी हर कोई जानता है कि मोहम्मद मोइज़ू कैसे भारत विरोधी बयान पहले भी देते रहे, ऐसे ही बयानों के बल पर उनको राष्ट्रपति की कुर्सी भी मिली है। तो आप जबकि एक बार फिर से उनके एक नहीं दो नहीं तीन तीन मंत्रियों की तरफ से भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ टिप्पणी की गई है, तो पूरा देश अब विरोध में अपनी ही सरकार के खड़ा हो गया है। और ऐसे में मालदीव की जो मौजूदा सरकार है वो गिर सकती है, किसी भी वक्त गिर सकती है। सिर्फ विपक्ष कब अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आएगा, अब उसी की बात है। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लक्षद्वीप की जो फोटो ट्वीट की गई थी, जो वीडियो शेयर किया गया था, उसमें कहीं भी कंपेरिजन नहीं था मालदीव बनाम लक्षद्वीप का। वो तो बस आह्वान कर रहे थे अपने देश के लोगों से कि लक्षद्वीप के पास असीम सौंदर्य है, तो वहां लक्षद्वीप आप जरूर जाएं, एक बार वहां के जितने भी एडवेंचरस एक्टिविटी हैं उनका आप आनंद जरूर लीजिए। लेकिन इन सब के बीच मिर्ची लग गई इन तस्वीरों को देखकर, इन वीडियो को देखकर मालदीव के मंत्रियों को, और उनकी तरफ से जो बयान सामने आया अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाला वो हो गया। इसी के साथ भारतीयों ने अपनी ताकत भी दिखा दी, वो चाहे चीन के प्रोडक्ट का बहिष्कार करना हो या फिर अब मालदीव के खिलाफ सोशल मीडिया के ऊपर जो ट्रेंड चला बायकॉट मालदीव। हर कोई ये जानता है कि मालदीव दरअसल टूरिज्म से ही कमाता है, और सबसे ज्यादा टूरिस्ट अगर वहां जाते हैं तो वो भारतीय जाते हैं। तो ऐसे में अगर भारतीय टूरिस्ट कम हो गया तो देश की जो अर्थव्यवस्था है वो तो हिल जाएगी पूरी तरह से, और अर्थव्यवस्था का हिलना मतलब देश का कमजोर होना। और अगर ऐसा हुआ तो इसमें सबसे बड़ा रोल होगा वहां के राष्ट्रपति का, मौजूदा राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू का, जिन्हें अभी हाल ही में कुर्सी मिली है। तो वो कहते हैं ना, सिर मुंडाते ही ओले पड़ना, यही काम लगभग राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू के साथ हो गया। और अब उन्हीं के मंत्रियों के बयान के बाद वो घिरते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि सस्पेंड कर दिया गया तीनों मंत्रियों को, कार्रवाई उनके ऊपर कर दी गई है, लेकिन इतने भर से देश का विपक्ष ना उन्हें छोड़ने के मूड में है और ना ही लोगों का गुस्सा कम होने के मूड में दिखाई दे रहा है। अब बड़ा सवाल जो मोहम्मद मोइज़ू के सामने है कि लोगों को समझाएं या फिर अपनी कुर्सी बचाएं, क्योंकि अलग अलग जगहों पर लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है उनके खुद के देश में, मालदीव में। बड़ा छोटा सा है मालदीव, हमारे दिल्ली जितना बड़ा है, और वहां की पूरी अर्थव्यवस्था भी भारतीयों के दम पर ही चल रही है। भारतीय वहां पहुंच रहे हैं उस टूरिज्म के दम पर ही चल रही है, तो हमारे दम पर वहां देश का उनके चलना और हमें ही आंखें तरेरना, अब भारतीयों ने भी अपनी ताकत पहचान ली है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ तो की गई टिप्पणी अब उन्हीं के ऊपर भारी पड़ गई है। कैसे मोहम्मद मोइज़ू अपनी कुर्सी बचाते हैं, विपक्ष को कैसे समझाते हैं, अपने लोगों को कैसे समझाते हैं, यह सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह इस वक्त है। लेकिन इतना जरूर है कि मालदीव के अंदर अस्थिरता दिखाई दे रही है।